कोहरे और गलन से दिल्ली एनसीआर वासियों को निजात नहीं मिल रही है। पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है और अगर आज के तापमान की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है मिनिमम तापमान। वहीं सोमवार को जो मिनिमम तापमान था, जो रिकॉर्ड बना है इस साल का, वो 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं पंजाब हो, हरियाणा हो, यहां पर अलर्ट जारी किया गया है कोल्ड को लेकर। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आपको बता दें कि कोहरे की स्थिति अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम में और यहां पर कोहरा आज ज़रूर थोड़ा कम है, लेकिन गलन लगातार बरकरार है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में आज की जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन 100 से 150 मीटर है, लेकिन कल की स्थिति की बात की जाए तो विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। वहीं IMD के मुताबिक मौसम विभाग के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 2 दिनों के लिए सर्दी के लिए अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। सोमवार को सीजन का सबसे कम तापमान था 3.3 डिग्री। वहीं आपको बता दें कि आज के लिए अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। घने कोहरे को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे छाए रहने की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली NCR वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है कोहरे और ठंड को लेकर, यानी कि तापमान और भी ज़्यादा लुढ़क सकता है। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24, अक्षरधाम।